क्यों और सब कोई अपना अपना जात बांटना चाहता है। SC ST और OBC इसको जरूर फायदा होगा। बस जाति के आधार पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना होगी तो उस पर लोग और जाति के नाम पे और अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो जो 500 करोड़ जो खर्च होगा युवा को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। सरकार है उसके फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मैं हूँ खुशी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्थल पर जातीय जनगणना कराने का सर्वेक्षण किया है। हम अभी पटना के सड़कों पर हैं, आइए जानते हैं लोगों की राय। बिहार में जातीय जनगणना होने जा रही है, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार में और कई मुद्दे हैं जिस पर गणना होनी चाहिए। गरीबी की जनगणना होनी चाहिए, विकास के जो आयाम है उसकी जनगणना होना चाहिए। जाति गणना मेरे समझ से कोई आधारभूत सोल्यूशन नहीं है किसी भी देश और किसी भी राज्य के विकास का। शैक्षणिक जनगणना होना चाहिए। यदि कोई जिला शिक्षा में पिछड़ा हुआ है तो उसको कैसे हम एक विशेष तकनीकी से उसको एक स्ट्रेटजी बनाएं, ये होनी चाहिए। जाति गणना मेरे समझ से अभी के विकासात्मक दौर में उचित नहीं है। अगेंस्ट है इस चीज़ के? अगेंस्ट नहीं है। जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है इसको समझा जा सकता है। जाति गणना किस आधार पे किया जा रहा है, उसका क्या रूट मैप है, उसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा हमारे समाज पर। जाति के आधार पर विकास यह उचित नहीं लगता है। बिहार में जो जातीय जनगणना होने जा रही है उसमें आपकी क्या राय है? ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो मैं भी OBC से आता हूँ तो हम लोगों का इसमें कितना जनसंख्या है और हम लोगों का इसमें कितना हक मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी फंड आता है इससे हम लोग को पता चलता है और हम लोग को ये भी पता चलता है कि हमारा क्या शक्ति है इसमें, हमारा पावर क्या है। इससे हम लोगों को और मजबूती मिलेगी। तो आप इसके पूरे सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है। तो जो जातीय जनगणना होगी इससे कौन से राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, राजनीतिक पार्टी पर तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूँ कि जो भी छोटी जाति है, जैसे बहुत सारा जाति बटा हुआ है जैसे SC ST और OBC, इसको जरूर फायदा होगा। युवाओं को इसमें जो आप यदि सिर्फ युवाओं को लेते हैं उसमें जातिगत यदि नहीं देते हैं तो युवाओं का इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। तो ये पैसा तो युवाओं के लिए भी खर्चा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 500 करोड़ रुपया एक स्टेट के तौर पर बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, एक रैली करते हैं, उसमें 1000 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। इस 500 रुपया पर इतना हैतौबा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ पता है क्यों हो रही है, क्यों? और सब कोई अपना अपना जात बांटना चाहता है, कितना वोट किसके पास है। तो मतलब उससे राजनीतिक फायदा किसको होने जा रहा है? राजनीतिक फायदा केवल लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को होगा। तो आप मतलब ये जातीय जनगणना के सहमत में हैं या फिर अगेंस्ट? हम तो सहमत में हैं, लेकिन सहमत में भी है ना सहमत में भी है, होता है तो भी अच्छा है, ना होता है तो भी अच्छा है। मैडम ये आपको बता देते हैं, ये बस जाति के आधार पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और इसको जातीय स्तर पर है ना ये मतलब कि ये करवा रहा है, मतलब कि पॉलिटिक्स खेल रहा है और होता है इससे मतलब कि पब्लिसिटी करने के लिए किया जा रहा है नीतीश कुमार। आम जनता को बहुत परेशानी होती है मैम। क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? पहले तो जाति के लेकर तो यहाँ बहुत विवाद ही होता रहता है, आप तो जानते ही हैं। बहुत सारा जाति लेकर अपने पर लेता है, मतलब कि अपने जाति से कमजोर जाति पर एकदम दबाव दिया रहता है, लेकिन ये जो हो रहा है इससे और उनका मनोबल बढ़ जाएगा क्योंकि उनका आंकड़ा जो है ना पता चल जाएगा एक्चुअली में मेरा आंकड़ा किस हिसाब से है और मेरा आंकड़ा जाति का कितना है और हम कितना प्रेशर बना सकते हैं और लोगों पे। मेन ये जो जाति आधारित जनगणना हो रही है उससे आपको क्या लगता है किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? वो मैम तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि उससे उनको पता चल जाएगा मेरा कितना वोट आने वाला है, उनको ये पता चल जाएगा कन्फर्म। और अदर लोग जो भी सपोर्ट करेंगे उनको पता चल जाएगा मेरा कितना संख्या और अदर जाति की कितना संख्या है। इससे उनको है ना और एक मेंटलिटी हो जाएगा क्योंकि किस हिसाब से उसको दबाव दे सकें, हिंदू हो मुस्लिम हो और बहुत सारा चीज़ होता है, किस हिसाब से दबाव दे सकते हैं उनको मैं पता चल जाएगा। ये जनगणना कर देंगे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक कंट्री है और ये स्टेट बिहार, अब अगर जातीय जनगणना होगी तो उस पर लोग और जाति के नाम पे और अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे क्योंकि बहुत, अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग ऊंच नीच कास्ट वगैरह पे बहुत मानते हैं। अब इस पर अगर जातीय के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे अगर जनगणना करने लग जाए लोग
तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी और ये चीज़ बिहार के लिए सही नहीं होगा। अगर जनगणना जो करेंगे तो युवा ही करेंगे ना, तो उसको जो 500 करोड़ जो खर्च होगा युवा को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। एक साल चलता है तो नीतीश कुमार तो फंड को अपने पॉकेट में नहीं रख लेंगे, उसको कहीं ना कहीं युवाओं को ही देंगे। जनगणना 10 साल पर होता ही है जनगणना, राय क्या दें? ठीक है, होनी चाहिए। मतलब आप सपोर्ट करते हैं इसको? बात सपोर्ट की नहीं है इसमें, बात यह है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चले कि हमारे हिंदुस्तान में कितने परसेंट क्या जाति है, रह रहे हैं, कैसे हैं, नहीं है, सब पता चलनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो इसमें राजनीतिक फ़ायदा किसको होगा, कुछ बता सकते हैं आप? अब मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, इसके लिए सॉरी। बिहार में जातीय जनगणना होने जा रही है, आप उसे क्या? ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पर CSO जब जातीय जनगणना निकालता है तो फिर जातीय जनगणना करके पैसा वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? डेवलपमेंट में भी हम इसे लगा सकते हैं। आपको आरक्षण देना है तो आरक्षण दीजिए, बट आर्थिक आधार पर ही दीजिए। तो उसके आप कुछ नुकसान बता सकते? नुकसान बिल्कुल है, जातीय जनगणना के बाद जो इनका प्लानिंग कमीशन आएगा उसमें दिया गया है कि जाति आधार पर फंडिंग किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो जाति ज़्यादा मायने रखता है उनको ज़्यादा फंडिंग दिया जाएगा। वैसे बहुत सारे जाति अभी भी लो कास्ट में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको तो फिर से फंडिंग नहीं मिलेगी, उनका फिर अस्तित्व वहीं का वहीं रह जाएगा और भी डाउन ही जाएगा। तो ऐसे जनगणना से फ़ायदा है कि और 500 करोड़ जहाँ खर्च कर रहे हैं वो डेवलपमेंट में भी लगा सकते हैं। तो जो जातीय जनगणना हो रही है तो इसमें राजनीतिक फ़ायदा किसको? राजनीतिक फ़ायदा जाहिर सी बात है कि जो अभी सरकार है उसके फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ज़्यादा जाति में है उसको ज़्यादा फंडिंग मिलेगा तो अपनी सरकार को वोट देगा, और जो निम्न जाति में उसको तो नहीं मिलने वाला फंडिंग। जी नहीं, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ए कास्ट बेसिस पर यदि सेंसस होती है तो बहुत सारे हमारे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी से उनको बहुत सारे उसमें एक से डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकती है, इसलिए मैं कहूँगा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार 500 रुपये खर्च रहे हैं जातीय जनगणना के लिए, उसमें आपकी क्या राय? 500 रुपये खर्च कर रहे हैं जातीय जनगणना की? 500 करोड़ ये तो वेस्टेज है। इसके जगह पर आप लोग काफ़ी बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे जगह है जहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर पर उनको वहाँ पर खर्च करना चाहिए। युवा जी नहीं, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, और यहाँ तक कि युवाओं के हित के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने चाहिए, नहीं तो एंटरप्रेन्योर को आप बढ़ावा देना चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए, या बहुत सारी रिसोर्सेज हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सब पर वहाँ पर उन लोगों को पैसा खर्च करना चाहिए, सेम लाइक एज इन पंजाब। तो आप अगेंस्ट हैं? जी हाँ बिल्कुल, एज ए यूथ आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो आपने देखा, ये थी लोगों की राय। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।